नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टैबलेट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी HCQS के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। HCQS एंटी मलेरियल ड्रग है। यह क्लोरोक्विन का एक रूप है। क्लोरोक्विन का उपयोग मलेरिया के इलाज में होता है। HCQS का उपयोग मलेरिया के अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में होता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है। 1934 में HCQS का आविष्कार हुआ था। दोस्तों, यह एक एंटी मलेरियल दवाई है, मगर आज की डेट में इसकी मांग कोरोना बीमारी को ठीक करने में, ख़त्म करने में काफ़ी मददगार सिद्ध हो रही है। यह दवा इम्यून मॉड्यूलेशन करती है। COVID-19 भी इम्यून संबंधी बीमारी है, ऐसे में यह लाभकारी हो सकती है। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। यह दवा दूसरी दवा के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। COVID-19 में भी इसे एजिथ्रोमाइसिन के साथ कई जगह दिया जा रहा है। आइए अब जानते हैं HCQ को क्यों कोरोना के इलाज में कारगर माना जा रहा है। इसके कई कारण हैं। चीन में हुए एक महत्वपूर्ण अध्ययन में पाया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा में यह क्षमता है कि वह कोरोना वायरस को हमारी कोशिकाओं को प्रभावित करने से रोक सके। हालांकि परीक्षण में यह दवा टेस्ट ट्यूब में ही ऐसा कर पाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मनुष्य के शरीर पर भी हमेशा इसी तरह काम करे यह जरूरी नहीं है। वहीं एक अन्य शोध में यह पाया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इन्फ्लुएंजा और दूसरी वायरल बीमारियों में काम नहीं करती है। चीन में शुरुआती कई रिसर्च में इसके फायदे की बात आई है, लेकिन उसे दुनिया के ज़्यादातर विशेषज्ञों ने नकार दिया है। अब एक बार फिर एक छोटे अध्ययन में देखा गया है कि चीन में कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों की खांसी, बुखार और निमोनिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने से ठीक हो गया। लेकिन यह अध्ययन केवल 62 मरीजों पर किया गया था और उन्हें उसके अलावा दूसरी दवाइयां भी दी गई थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इससे पहले ओवरएक्टिव इम्यून सिस्टम को ठीक करने के कारण भी उपयोगी रही है। कोरोना में भी इम्यून सिस्टम कई बार ओवरएक्टिव हो जाता है। हालांकि कोरोना में इसके इस्तेमाल का अभी कोई ठोस कारण नहीं मिला है। आइए अब जानते हैं, क्या HCQS से कोरोना ठीक होता है? तो जवाब है नहीं। अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि HCQS कोरोना का इलाज है। अलग अलग अध्ययन बताते हैं कि यह दवा COVID-19 वायरस के असर को कम करती है, पर उसे खत्म नहीं कर सकती। अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में इसका ट्रायल जारी है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि क्या यह दवा सुरक्षित है। तो उत्तर है नहीं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, जैसे हार्ट ब्लॉक, घबराहट, चक्कर आना, उल्टी और डायरिया होना। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं, क्या HCQS खानी चाहिए? यूरोप में कोरोना संक्रमितों की संख्या लाखों में है। यहाँ की यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का कहना है कि कोरोना वायरस मरीजों को HCQS नहीं खानी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए स्वीडन के अस्पतालों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। मेयो क्लिनिक के डॉक्टर माइकल एकरमैन कहते हैं कि भले ही इस दवा को 90% आबादी के लिए सुरक्षित माना जाए, लेकिन दिल के लिए यह जोखिम भरी हो सकती है, खास तौर पर उनके लिए जो किसी बीमारी से ग्रसित है या पहले से ही बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं। इसीलिए ज़्यादातर विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि बिना डॉक्टरी सलाह के HCQS का सेवन न किया जाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अध्ययन से यह पता चलता है कि HCQS टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।